तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एफिलेट ट्री स्ट्रेटजी ऑन इंस्टाग्राम। यस गाइस, आपने सही सुना है, एफिलेट ट्री स्ट्रेटजी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये क्या है, कैसे होती है, और हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है एंड बहुत अच्छा है, बिकॉज इस समय बहुत लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा खासा इससे जो ओपनिंग रेट है, जो सेलिंग रेट है, वो काफी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। बट उससे पहले मैं करता हूँ आप सबका आपका स्वागत आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो वीडियो है वो आपके मोबाइल पर एज अ नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो दोस्तों, प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज स्टे एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, क्या है ट्री स्ट्रेटेजी? सबसे पहले बता दूं, ट्री का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा। ट्री का मतलब होता है पेड़, और पेड़ की होती है शाखाएं। तो ऐसे ही कुछ शाखाएं के बेस पे है। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं इंस्टाग्राम पे और दिखाता हूं कुछ अलग अलग पेजेस। लाइक ये एक पेज है जो एक मोबाइल का पेज है। ओके, सो इस मोबाइल का जो पेज है, इन लोगों ने यहाँ पर देखिए एक चीज लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड लिंक। उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ब्लॉग पोस्ट पे ले जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत गलत है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट जैसे लिंक होते हैं, लाइक इतने लंबे लिंक, इस पर क्लिक करना अच्छा नहीं समझते हैं। मतलब देखो, ये कुछ ऑकवर्ड सा दिखाई देता है, तो लोग इसको क्लिक करना नहीं समझते। तो जब भी आप ऐसा लिंक लगाओ तो उसको शॉर्ट करके लगाओ। ओके, सो देन जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको देखो ये ब्लॉग पोस्ट है, साफ साफ है, और इस पर इस बंदे ने काफी अच्छा खासा टेम्पलेट डाल के लिख रखा है स्वामी के मोबाइल के बारे में। ओके, सो एम आई का मोबाइल है एंड बहुत अच्छा खासा इसने मेंटेन करके रखा है इस ब्लॉग पोस्ट को। हो सकता है इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक हो, सो इससे अच्छा खासा सेलिंग निकल जाता हो। बट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे क्या है, मतलब जैसे कि देखो, जैसे ये ब्लॉग पोस्ट पे आया मैं, तो मुझे ये मोबाइल से लेना देना नहीं है, बट बस मैं देखने के लिए आ गया। सो ये क्या क्या हो गया, आपका एक कस्टमर आप तक आया बट आपसे सेल नहीं किया, वो चले गया। राइट, यहाँ याद रखना इस लाइन को। ओके, बट ये जो बंदा है, इसने काफी अच्छा ब्लॉग को मेंटेन किया हुआ है। ओके, सो इट्स अ गुड एंड नाउ। तो अब जो चीज है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट एक और पेज है, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर है मनी मेकिंग मैट। ओके, और ये इनकी है वेबसाइट। जैसी वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आपको वन चीज, मतलब एक चीज ही, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो अभी आपको दिख रहा है। ओके, बट अगर मैं ये प्रोडक्ट को नहीं लेता हूँ, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं लाइक नहीं करता हूँ, बट यहाँ तक आता हूँ, आपके ब्लॉग को पढ़ता हूँ और चले जाता हूँ, इट्स मीन कि आपका लॉस है। राइट, सो इस चीज को अवॉइड कैसे करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, चले जाते हैं। तो इस चीज को हम सेल में कैसे कन्वर्ट करें कि कोई भी हमारे साइट पे आए या फनल पे आए तो हम वहां से अर्निंग कर सके। देखो, ये जो वेबसाइट का तरीका है ना सेल करने का, ये बहुत बेकार तरीका है। देखो, कोई भी आएगा वो कंफ्यूज रहेगा, यहाँ इतने सारा मतलब इतना सारा चीज मिला जुला मिलके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको फनल ही यूज करना है अगर आप सच में एफिलिएट मार्केटिंग में एक बड़ा और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो। ओके, सो वो तो हो गई उसकी बात, बट अभी जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आपका कस्टमर यहाँ तक आया बट उसने कुछ भी नहीं खरीदा, तो आपका लॉस है, बिकॉज आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पर लाना, यही आपका एफिलिएट मार्केटिंग में काम रहता है। देन सेल होना चाहिए, तभी आपको उसका कमीशन मिलेगा। बट लोग क्या करते हैं, ऐसा वेबसाइट बना देते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लोग यहाँ तक आते हैं, बट उसमें से क्या होता है, सिर्फ 20 या 10% लोग ही खरीदते हैं, बाकी जो आपके 30-40 या 50% लोग आते हैं एंड वो वापस चले जाते हैं। तो इस चीज को डिक्रीज करने के लिए एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट ट्री स्ट्रेटजी ऑन इंस्टाग्राम। तो अब ये होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो होता है ये। तो गाइज, ये चीज है, इसको बोलते हैं लिंक ट्री, linktree.com। जैसे आप डालेंगे अपने गूगल में तो आपको
आ जाएगा लिंक ट्री, वहां आप साइन अप करके लॉग इन कर सकते हैं और इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये चीज जो है इसको मैंने क्रिएट किया अपने क्लाइंट के लिए, आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे अरे यार इसमें तो सिर्फ यही बटन तो लगाना है, तो आप इसको अपने क्लाइंट के लिए क्यों क्रिएट किया हो एंड उसने आपको ऑर्डर क्यों दिया है? बिकॉज बटन तो लगाना है, बट उसके बाद जो अंदर वेबसाइट्स रहती हैं उसको क्रिएट करना पड़ता है, जो भी चीजें हैं वो, जो भी फीचर्स हैं, तो उसके लिए लोग हायर करते हैं। ओके, सो वो आप अपने खुद से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ बेसिकली है क्या कि देखो जैसे ही कोई भी आपके लिंक पे क्लिक करेगा वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ उसको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक दैट। ये जो चीज है यहाँ आपका लिंक रहेगा और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये चीज खुल जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ उसको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा लाइक आप क्या कर सकते हो, अगर आप फोन सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, फोन, जैसे कि इस वेबसाइट में इस पेज में है फोन। अब क्या है, आप एक फोन नहीं, आप चार पांच छह तरह के फोन यहाँ पर लगा सकते हो ऐसे, और सबके लिंक दे दो, ठीक है, छह तरह के। अब छह तरह के क्यों, क्योंकि देखो जो कस्टमर्स रहता है आप फील करो, जब वो जाता है शॉप में तो क्या करता है, वो तरह तरह की चीजों को देखता है। सो गाइस, जो कस्टमर रहता है वो शॉप में जाता है, वो अलग अलग कपड़ों को देखता है और भी जो भी चीज खरीदने जाता है तो वो बहुत सारी चीजों को देखता है और उसमें से एक चीज को खरीदता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो कस्टमर है, जो लोग हैं, उनको चॉइस करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो जब आप उनको चॉइस दोगे तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक ट्री का यूज कर सकते हो। जब आप लिंक ट्री का यूज करोगे तो आपके कस्टमर को मिलेगा ऑप्शन, और प्लस आप जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो सबका लिंक भी यहाँ डाल सकते हो, कम से कम 6 से 7। तो अब आपका कस्टमर बारी बारी से सारी चीजों को देख लेगा और उसको जो पसंद आएगा वो उसमें से पिक करेगा एंड वो आपका एट द एंड एक बायर बन जाएगा। तो गाइज ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और ये फ्री टूल है, दैट इज कॉल्ड लिंक ट्री। जस्ट गूगल में लिखो और आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जब आप ये बटन क्रिएट कर लोगे तो इस बटन में क्या होता है गाइज, इन बटन्स में होती है लिंक। जैसे कि ये एक बटन है ऊपर, तो इसमें एक लिंक है राइट राइट। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस लिंक पे पहुंचा देगा जो इनका एफिलिएट प्रोडक्ट है। तो आपको भी अपना एफिलिएट प्रोडक्ट ऐसे लगाना पड़ेगा राइट, देन कोई आपका कस्टमर आएगा, क्लिक करेगा एंड खरीदेगा। ओके, आपको ये बटन लगाने के बाद लिंक ट्री में आपको पीछे यहां पर अपना पूरा गेम तैयार करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट का या अपने एफिलिएट लिंक का या अपने लैंडिंग पेज का, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाना पड़ेगा। तो ये इतना सिंपल काम नहीं है, मतलब इसमें से चार पांच छह बटन आप जो भी तैयार करोगे हर बटन के पीछे आपका मेन चीज होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल लगा रहे हो तो आपको यहाँ यूट्यूब चैनल होना चाहिए, इंस्टाग्राम लगा रहे हो तो आपको यहाँ इंस्टाग्राम होना चाहिए। बेसिकली इस चीज को यूज किया जाता है सेलिंग के लिए। अलग लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाओ ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपके मोबाइल एंड फोन पे मिलते रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।